जिसका शीर्षक है अजामिल के जीवन का इतिहास। भुंजान प्रपीपन खादान बालकं स्नेहयंत्रितः भोजयन पायन मूडन वेद अंतकम्। अनुवाद: जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वह पुकारने में जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह न समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव पर दयालु रहते हैं। यद्यपि व्यक्ति नारायण को पूरी तरह भूल चुका है था, किंतु अपने बच्चे को यह कहकर पुकारता रहता, नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर यह दूध पी लो। इसलिए वह किसी न किसी रूप में नारायण के नाम से जुड़ा रहा था। यह अज्ञात सुकृति कहलाता है। यद्यपि वह पुकारता अपने पुत्र को था, किंतु अनजाने में वह नारायण का नाम लेता था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना शक्तिशाली है कि उसका वह पुकारना कीर्तन करना माना जा रहा था। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अजामिल के जीवन का इतिहास जो है वह अध्याय देख रहे हैं। हमने अजामिल के जीवन में देखा कि अजामिल एक ब्राह्मण था। वह कान्यकुब्ज गांव में रहता था और वहां पर वह अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही सुशिक्षित था। वह वेदों का अध्ययन करता था और हवन पूजा यह बहुत करता था। एक दिन उसके पिता की आज्ञा से वह फूल तोड़ने के लिए जंगल में जाता है और वहां से लौटते समय वह एक शूद्र और एक वैश्या जो है
वह एक दूसरे को आलिंगन कर रही है। यह दृश्य जो है वो देखता है। वहां से तो वह निकल जाता है, लेकिन वो अपने घर पे आने के बाद उस दृश्य का उसे हमेशा स्मरण होता है और वह उस वैश्य के प्रति बहुत आकर्षित होता है। कुछ दिनों के बाद वह अजामिल उस वैश्य को अपने घर में नौकरानी कहकर लाता है और वह उस नौकरानी को अनेक उपहार देता है। फिर बाद में वह अपने परिवार को, जो पत्नी और उसके बाकी के परिवार के सदस्य हैं, तो वह उन सबको घर से निकाल देता है और वह वैश्य के साथ रहता है। वैश्य को जो चाहिए वह लाके देता है। उसके लिए वह चोरी करता है, किसी के बच्चों का अपहरण करता है और पैसे लेकर उन्हें छुड़वाता है, बाद में दरोड़ा डालता है, झूठ बोलता है और इस प्रकार वह अपने जो सुसंस्कृत नियम थे उसके सब वह एक एक करके वह उसके टूट जाते हैं और उसका जीवन बहुत ही भयावह होता है। फिर उस वैश्य से उसे 10 पुत्र होते हैं। अपने छोटे पुत्र का वह नारायण नाम रखता है और उस नारायण से उसे उस अजामिल को बहुत लगाव होता है। वह हमेशा वह नारायण नारायण करते रहता है। वह उसके प्रति बहुत ही आसक्त था। नारायण ना जब वह खाता था वह नारायण ये खा लो, जब वह कुछ करता था तो नारायण ये कर लो, यह ऐसा नारायण नारायण वह रटता था। तो फिर एक दिन वह उसकी मृत्यु उसके सिर पर है, यह उसे पता भी नहीं चला। वह वृद्ध हुआ था, उसकी आयु 80 वर्ष के ऊपर हुई थी और उसका बेटा जो है वह बहुत छोटा था। फिर उसकी मृत्यु के समय पर वहाँ यमदूत उसे लेने के लिए आते हैं। यमदूत बहुत ही भयानक उनका स्वरूप था, उनका रूप था। तो वह अजामिल जो है उन्हें देखकर डर जाता है। उन्हें देखकर डरने के बाद वह अपने बेटे का नाम लेता है, नारायण 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 नारायण। तो बाद में यह अंतिम समय भगवान के नाम का उच्चारण जो करता है उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए वह यमदूत विष्णुदूत जो है विष्णुदूत वहाँ पर प्रकट होते हैं। वहाँ पर विष्णुदूत उनका वर्णन शास्त्र में आता है कि उनकी आंखें जो है वह कमल की तरह, कमल की पंखुड़ी की तरह है और उनका रूप साक्षात भगवान की तरह है। वह चतुर भुजधारी है, उन्होंने पीतांबर वस्त्र पहना हुआ है और उनकी शरीर की कांति एक सूर्य के समान चमक रही थी। और वह जो विष्णुदूत है वह विष्णुदूत अपनी तलवार उन यमदूतों पर रखते हैं कि आप इन्हें अजामिल जो है उसने आखिरी समय पर भगवान का नाम लिया है तो आप उसको नहीं ले जा सकते। तो इस तरह जो यमदूत है वह 3 यमदूत थे। ऐसा कहा जाता है कि हम जो हमारे काया वाचा और मन से पाप करते हैं उन पापों का दंड देने के लिए यह 3 यमदूत जो है वह व्यक्ति के पास आते हैं।
तो इस तरह वह तीन यमदूत अजामिल के पास आए थे। फिर वो विष्णु दूत उन्हें वापस लौटाते हैं, वहाँ से वो यमदूत निकल जाते हैं। बाद में फिर वह विष्णु दूत भी वहाँ से निकलते हैं और अजामिल को यह महसूस होता है कि मेरी मृत्यु जो है वह निकट आई थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से वह मृत्यु जो है वह टल गई। और बाद में फिर वह अजामिल जो है वह फिर से भक्ति करने के लिए वह यह सब वैश्या का जो परिवार था, वैश्या थी, उसको छोड़ के फिर वह हरिद्वार जाता है। वहाँ पर हरिद्वार में वह प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करता है और भक्तिमय कार्य वह करता है। इस तरह वह शुद्ध होने के बाद अपनी मृत्यु समय फिर से वहाँ पर वह जो विष्णु दूत थे वह उस अजामिल को लेने के लिए आते हैं और वह अजामिल उनके साथ भगवत धाम लौट जाता है। तो अजामिल की यह जो है वह इतिहास है और अजामिल की कथा से हम कुछ चीज़ें जो है वह कुछ बातें हम सीख सकते हैं कि जो अगर देखिए यह भगवत भक्ति में चार नियम जो है वह बताए जाते हैं कि इलिसिट सेक्स नहीं करना है, फिर बाद में मांसाहार नहीं करना है, नशापान नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना है। अगर कोई व्यक्ति इन चारों नियमों से एक भी नियम जो है वह तोड़ता है तो बाकी के नियम का वह पालन नहीं कर सकता। हम अजामिल के जीवन से देखते हैं कि अजामिल ने जो है वह एक वैश्या के साथ वह उसने संबंध बनाए थे, तो उस कारण वो जुआ भी खेलने लगा, नशा भी करने लगा और बाकी के जो धर्म विरहित कार्य थे वह सब वह करने लगा था। तो अगर एक नियम का पालन नहीं होता है भक्ति में तो वह चार नियम बाकी के नियम जो है वह भी हम पालन नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जो है वह चार पैरों पे खड़ा हुआ, एक है शौच, दया, तपस्या और सत्यता। यह जो है वह जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है उन्होंने इन नियमों का पालन करके अपने मन में भक्तिमय कार्य जो है वह ठीक से कर सकता है। दूसरी चीज जो है वह हम अजामिल के जीवन से सीखते हैं कि अजामिल जो है वह उसके उस अपने इंद्रियों पर उसका नियंत्रण जो था वह छूट गया था। उसने आँखों से वह दृश्य देखा और मन में उसी का विचार वह कर रहा था। जिस ऐसी एक घटना जो नारद मुनि के साथ हुई थी कि नारद मुनि जब भ्रमण कर रहे थे तो नल कुबेर और मणिग्रीव एक कुंड में जो अप्सराओं के साथ वह वहाँ पर पीड़ा कर रहे थे और यह दृश्य जो है नारद मुनि वहाँ से जा रहे थे उन्होंने वह देखा, लेकिन वह देखने के बाद जो नलकुबेर और मणिग्रीव थे वह उनको वो नारद मुनि इतने बड़े संत है उनके प्रति उन्होंने कुछ उनका प्रणाम अर्पण नहीं किया और वह क्रीड़ा करने में लुप्त थे। फिर नारद मुनि ने उनको सीख देने के लिए
उनको एक वृक्ष होने का शाप दे दिया। और फिर बाद में हम देखते हैं कि दामोदर लीला में जब भगवान दामोदर लीला करते हैं तो उकल से वह दो बड़े अर्जुन वृक्ष को तोड़कर फिर वह नलकुए और मणिग्रह को मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि जो है वह उनकी चेतना जो है वह बहुत शुद्ध थी, इसलिए उन्होंने जो कुछ दृश्य देखा वह दृश्य देखने के बाद भी वह किंचित भी विचलित नहीं हुए। जैसे कि अजामिल वह दृश्य देखने के बाद वह विचलित हुआ और फिर बाद में उसने सब नियम जो है वह तोड़ दिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हरिदास ठाकुर जो है उनका उदाहरण आता है कि एक वैश्या उनके पास आती है, वह वैश्या उनके पास आने के बाद हरिदास ठाकुर उस वैश्या को हरिनाम जो है वह सुनाते हैं और दो दिन वह वैश्या दो रात जो वैश्या हरिनाम वह सुनती है और वह भी शुद्ध होती है और भक्तिमय कार्य में लग जाती है। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर जो है वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए क्योंकि वह शुद्ध भक्ति में लिप्त थे और भगवान का नाम जो है वह भगवान का नाम वह लेते थे। यह भगवान का नाम जो है वह हमें सिर्फ इस जन्म के नहीं तो पिछले कई जन्मों के पाप जो है वह भगवान के नाम से नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अजामिल जो है उसे वो अपने पुत्र को नारायण नारायण कहता था लेकिन वह उसकी अज्ञात सुकृति थी, वह नाम लेते हुए वह उसकी चेतना जो है वह शुद्ध हो रही थी और फिर वह नारायण नारायण कहके वह भगवान का नाम लेता था। भगवान का नाम यह जो है वह एक सूर्य जब निकलता है तो जैसे कोहरा जो है वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है, वैसे ही अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे जो पाप में जीवन है वह जो है वह नष्ट हो जाता है। यह हम अजामिल की कथा से सीख सकते हैं। अजामिल जो है वह हमारा समय जो है वह बहुत ही कम है, बहुत जल्दी से यह समय जो है वह निकल जाता है। जैसे कि अजामिल था वह वृद्धावस्था तक पहुंच गया था, उसकी आयु 80 वर्ष की थी और उसको 10 पुत्र हुए थे। अपने पुत्र के प्रति वह बहुत आसक्त था इसलिए हमेशा वह नारायण के चिंतन में लगा हुआ था। दूसरी चीज हम अजामिल के जीवन से सीखते हैं कि भगवान जो है वह बहुत दयालु है। अजामिल ने अपने युवावस्था में भगवान की भक्ति में लगा हुआ था और बाद में फिर उसका पतन होता है और उसने उसके जो कुछ भगवान के प्रति उसने कार्य किया था उसके फलस्वरूप अपने बेटे का वह नारायण नाम रखता है। और भगवद गीता में यह कहा गया है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर हम भगवान के प्रति कुछ थोड़ा भी बहुत कार्य करते हैं तो हमारे बड़े बड़े जो भयानवह संकट होते हैं वह हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब मृत्यु समय यमदूत अजामिल को लेने के लिए आया तो अजामिल नारायण नारायण पुकारता था और अजामिल की यमदूतों से रक्षा हुई। इतिहास में और भी उदाहरण है जैसे कि रावण
रावण जो है वह उसने वह लस्ट के कारण वह उसका सब जो परिवार था वह सब नष्ट हो गया। अजामिल यह समझ न पाया था कि उसका जो समय है वह अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक के बाद एक हमारे आजू बाजू के लोग जो है वह शरीर छोड़ के जा रहे हैं। हम सुनते हैं कि आज यह गया वह कल वहाँ का एक व्यक्ति गया। हमें यह भी मालूम है कि हम भी एक दिन यह शरीर छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन हम हमेशा जीवन की तैयारी में लगे हैं। जैसे कि एक चूहा जो है वह बिल में रहता है और चूहे को जो मिलता है वह अंदर रखता है चावल चीनी गेहूँ, और कभी वो चावल के दाने उठा के इधर से बाहर रखता है और कभी गेहूँ उठा के बाहर यहाँ से बाहर रखता है। और एक जो सांप होता है वह उसकी उसी चूहे पर नज़र लगा रखा है, और अभी वह सांप सोचता है कि कब मैं इसे निगल लूँ। उसी तरह काल जो है वह हमारे ऊपर लक्ष्य लगा के रखा है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है। जब हम गर्भ में होते हैं, जब बच्चा जो है वह गर्भ में होता है तो वह ऐसे पोजीशन में रहता है, जैसे कि वह अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि बच्चे की पोजीशन, कोई भी बच्चा हो तो वह ऐसे रहता है और वह उसे बहुत तकलीफ में वहाँ गर्भ में रहता है, तकलीफ में होता है। और वह भगवान से वह प्रार्थना करता है कि अब मुझे जो है मुझे आप यहाँ से बचा लो, मैं आपके शरण में आऊँगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है तो अपने माता पिता के प्यार में और बाकी के जो तीन गुण है उसमें वह लग जाता है और भगवान को फिर से बुला देता है। हम जब भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आने के बाद पहले कुछ साल जो है वह बहुत ही हम उत्साही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम जो है वह हमारा उत्साह कम होता है और हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते और फिर हमें स्पिरिचुअली हम उतने स्ट्रांग नहीं होते। उसका कारण एक है कि ध्यानपूर्वक जप न करना। हम जप करते समय मल्टीटास्किंग, यानी एक तरफ मोबाइल को देख रहे हो दूसरी तरफ जप कर रहे, किसी से बात कर रहे उस समय जप कर रहे। दूसरा कारण जो है वह भक्ति में प्रगति न होने का कारण जो है वह है कि भक्तों की निंदा करना। जैसे कि किसी भक्त की निंदा सुनना या उसके बारे में कहना। और तीसरा कारण है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते वह है कि श्रील प्रभुपाद की जो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता और अन्य पुस्तकें हैं उनकी गंभीरता से हम उनका पठन नहीं करते, इसलिए हमारे भक्ति में जो है उत्साह वह कम हो जाता है और नेचुरली स्टैग्नेंसी व रिलैक्सेशन आता है। और चौथा जो कारण है वह है कि प्रसाद ग्रहण न करना। कुछ भी जो है वह
उसे भी स्वीकार करने से हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते। कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं कि वह सिर्फ भगवान का लगा हुआ भोग खाते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो सिर्फ ठाकुर जी को जो भोग लगाए हैं वही ग्रहण करते हैं। हम भक्ति में आगे न बढ़ने का कारण दूसरा यह है कि जो हमारा इम्प्रॉपर स्केड्यूल है वह है, जैसे कभी भी सोना, कभी भी देर रात से सोना और देर रात तक, देर सुबह तक उठना। अगर हम लंबे समय तक ऐसी ही दिनचर्या रखते हैं तो भक्ति में का जो उत्साह है वह कम होता है। अगर हम भगवान को अपना हृदय नहीं देते तो हमें भी भगवान जो है वह पूरी तरह से हमें अपना प्रेम जो है वह अर्पण नहीं करते। भगवत गीता में कहा गया है कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण जो है वह सबके स्रोत है और सब कुछ भगवान के पास से आता है। जो भी हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं वह सब जो है वह भगवान के पास से आता है। मत्त सर्व प्रवर्तते भाव समन्विता, हमें पूरे हृदय के साथ भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम की कथा सुननी चाहिए और अर्चा उग्रहों की जो है वह सेवा करनी चाहिए। भक्ति मार्ग में उन्नति करने के लिए हमें सुबह का जो समय है 4 से 8 तक वह भक्तिमय कार्य में लगाना चाहिए। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनकी दिनचर्या जो थी वह एक आदर्श थी। उन्होंने अपने जो 24 घंटे थे उनमें से वह 8 घंटे जो है वह अपने काम काज और प्रोफेशन को देते थे, दूसरे 8 घंटे जो है वह अपने शरीर के लिए उसमें सोना, खाना, नहाना यह सब, और 8 घंटे वह भक्ति में कार्य करने के लिए देते थे। भक्ति मार्ग ऐसा है कि जितना किया उतना सेव होता है। जैसे हमारी भक्ति जो है वह अगर पूर्ण हो जाती है तो हम भगवत धाम, हमको हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अगर हम भक्ति में पूर्ण उन्नत नहीं होते तो फिर अगला जो हमारा जन्म है वह एक अनुकूल वातावरण में होता है जहाँ हम भक्ति ठीक तरीके से कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान को एक प्रसन्न करने के लिए हम हमारे जो कार्य करें वह एक यज्ञ स्वरूप हमें वह करना चाहिए, नहीं तो वही कर्म जो है हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं। उदाहरण आता है कि रेशम कीड़ा जो है वह अपने लिए एक रेशम का एक बनाता है लेकिन वह उसमें खुद अटक जाता है। इस भौतिक जगत का प्रेम और आध्यात्मिक जगत का प्रेम जो है उनमें फर्क है कि हम सकाम कर्म करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वह हम हमारे इच्छा पूर्ण करने के लिए करते हैं, और निष्काम कर्म जो है वह हम भगवान को हमारे फल जो है वह हम भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे कि जड़ में पानी डालने से वह जो है पूरा पेड़ जो है वह पोषक बनता है, उसी तरह अगर हम भगवत भक्ति करते हैं, अगर भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं तो सारी जग जो है सारी सृष्टि सब प्रसन्न होती है। मृत्यु जो है वह मृत्यु क्या है? मृत्यु
के समय पे क्या होता है। एक शरीर जो है वह शरीर हम एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर हमें मिलता है। मृत्यु यानी शरीर का बदल। हम देखते हैं कि हम बाल्य अवस्था से हम तारुण्य में और तारुण्य अवस्था से हम वृद्धावस्था में आते हैं और फिर बाद में यह शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आते हैं। भगवत गीता में कहा जाता है कि देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। ऐसे परिवर्तन से जो अपने अपना धैर्य खो नहीं देता है, अपने शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर वह प्राप्त होता है। और हम सब जो है वह शरीर नहीं आत्मा है, ऐसे प्रभुपाद के हर पुस्तक में हर पन्ने पे प्रभुपाद का वह वाक्य जो है हमें पढ़ने को मिलता है। और अलग अलग 84 लक्ष योनि है, जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है कि जलदा नवलक्षानि स्थावर लक्ष मशति, जैसे कि पानी में रहने वाले नवलक्ष, फिर बाद में जो स्थावर है वह 3 लक्ष और जो पेड़ है वह अलग अलग वो 2 लक्ष के हैं और बर्ड्स जो है वह 1 लक्ष और मानव की 4 लक्ष, ऐसे अलग अलग 84 लाख योनि। उसमें से मनुष्य का जीवन जो है वह उच्च स्तर पर माना गया है। क्यों उच्च स्तर पर हम मनुष्य का जीवन माना गया है कि क्योंकि हमारी चेतना जो है वह विकसित रहती है, पूर्ण विकसित चेतना हमारी होती है। और विकसित चेतना का अर्थ है कि वह भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में सोच सकता है। मनुष्य जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और हम कौन है मनुष्य जीवन में हम रहती है, क्यूरियोसिटी होती है और वह बातों को समझ सकता है। उसने समझना चाहिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वह हम कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं और कैसे हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई बिल्ली और कुत्ते को भगवत ज्ञान नहीं समझा सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वह मनुष्य जीवन में यह पॉसिबल है कि हम भगवत ज्ञान को जो है वह समझ सकते हैं। बाकी के जो योनियां हैं वह उनकी चेतना जो है विकसित नहीं हुई, विकसित नहीं रहती है। जैसे कि पेड़ है वह हजारों वर्ष 500 वर्षों तक जो है वह खड़े रहते हैं। वह एक प्रकार की प्रभुपाद देते हैं कि वह एक प्रकार की शिक्षा है। वह उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा अगर क्लास में कोई मस्ती करता है तो वहाँ की शिक्षक जो है वह शिक्षक उस बच्चे को बेंच पे खड़े रहने की शिक्षा देते हैं। वैसे ही जो पेड़ है बाकी के जो योनि है उसमें भी जो है वह एक शिक्षा स्वरूप है। और एक बात है कि बाकी के जो योनि है उसमें जो है वह पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य जीवन में जो है वह दुष्कर्म करने के बाद उसको पाप लगता है और उसको नरक यातना जो है वह भोगनी पड़ती है। बाकी के जीव की जो उन्नति है वह एक शरीर के बाद दूसरा ऐसे वह ऊपर की ओर प्रगत होता है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि यह जीवन मिलने के बाद यह जीवन हम भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। अलग अलग युगों में भगवान को प्रसन्न करने की जो विधि है वह अलग अलग दी हुई है। त्रेता युग में तपस्या, क्योंकि वहाँ पर अनेक हजारों वर्ष तक जीव जो है वह जीता था, तो फिर तपस्या करके वह भगवान को प्रसन्न करते थे।
त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था, द्वापर युग में बड़े बड़े अर्चा विग्रह रहते हैं और उन अर्चा विग्रहों की पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस कलयुग में विधि जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है कि हरिनाम संकीर्तन, कि भगवान का नाम लेके हम हमारे चेतना शुद्ध कर सकते हैं और भगवत प्रेम जो है वह हम पा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह शोषकम जो नाम है वह उच्चारण करने से हमारे पाप में जो कृत्य है वह तो नष्ट होते हैं, फिर हमें भगवत प्रेम भी वहाँ से प्राप्त होता है। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गति रम्यता। यह कलयुग का प्रभाव हरि नाम से ही हम नष्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद ने हमें बहुत ही सिंपल तरीके से यह भक्ति में विधि दी है कि ABCD दी है भक्ति की, जो एसोसिएशन, भक्तों का संग, ग्रंथ का वाचन भी, सी यानी चैंटिंग, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान का नाम का जप, डाइट यानी श्री प्रसाद को ग्रहण करना, यह हम अगर करते हैं तो हमें भगवत प्रेम जो है वह प्राप्त हो सकता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामिति स्वार्जुन। भगवान के कर्म और जन्म हम अगर उनके जीवन को जानते हैं तो हम भक्ति में लग सकते हैं। इस तरह हम भगवान का नाम जप करके भगवत प्रेम जो है वह पा सकते हैं। जैसे कि अजामिल ने नारायण नारायण यह जो है वह अपने बच्चे की आसक्ति के प्रति उसने कहा था, लेकिन वह भगवान के नाम वह अज्ञात सुकृति है, वह अज्ञात सुकृति थी, उसके कारण वह उसकी चेतना जो है वह शुद्ध हुई। जैसे कि हम किसी ने हमें प्रसाद देते हैं, प्रसाद देने के बाद हमें मालूम नहीं हो यह प्रसाद है, तो हम ग्रहण करने के बाद भी हमें जो है उसका फल मिलता है। वैसे ही जैसे मेडिसिन जो है वह खाने से वह आजा जो है वह नष्ट होता है, वैसे ही यह हरिनाम है। यह हरिनाम अगर हम यह अजामिल ने भगवान के प्रति नहीं लिया था, लेकिन वह लेने से वह शुद्ध हुआ और बाद में वह शुद्ध होके फिर से वह भक्ति में कार्य करने लगा और वह भगवान के धाम को फिर वापस गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव, भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि जीव जागो गोरा चंद्र बोले कोत निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले, भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रोहिलो तुमि अविद्यार भरे, तुम्हारे लोहिते आमी हुईनो अवतार आमी बिना बंधु आर के आचे तुम्हार, एने छी औषधि माया नाशी बरो लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुमि मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया से हरि नाम मंत्र लेलो मागिया। हम जो माया के प्रभाव से हम सब जीव जो है वह बद्ध है, उनको जगाने के लिए यहाँ पर जीव जागो यह जो है भगवान कहते हैं कि इस माया के निद्रा से तुम जग जाओ और भक्ति में कार्य जो है वह करने लगो। जैसे कि सर्प दंश कुछ होने के बाद उसको कुछ आयुर्वेदिक
जो है वह हर्बल वह सुनने से वह फिर से चेतन हो जाता है, वैसे ही यह भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि यह हरि नाम है। यह नाम लेने से हम माया से छूट सकते हैं और भगवान को, भगवान के प्रेम को हम पा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।